दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी मजनू लौंडे की है जो लड़कियों के गोल गुंबज, मौत का कुआं, तितली, पिंकी ब्लैकी का दीवाना होता है, जिसे देखने के लिए और भटाभट करने के लिए पूरी जान लगा देता है और आखिर में ये हाथी का कुंड देख के ही मानता है। तो चलिए देखते हैं इसके काले कांड को। इससे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडे पप्पू पेलू और इसके दो दोस्त झेलू और लेलू को देखते हैं, जो कि बाजार में लौंडिया को ताड़ रहे थे। इसके बाद झेलू और लेलू दो लौंडियों से आसकीबाजी करने लगते हैं। ओहो क्या चाल है, तू तो बड़ी कमाल है, कहां को जा रही है जाने मन, पिंकी ब्लैकी दिखा दे। तो वो लौंडिया कहती है, चल झोपड़ी के घर पे जाके मुठ्ठे मार के सो जा। झेलू उन लड़कियों को सेट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे घंटा भाव नहीं देती। वहीं लेलू कहता है, यार झेलू ये लाइन तो दे रही है पर सेट नहीं हो रही। तभी वहीं पर पप्पू पेलू आ जाता है और वो इस लौंडिया को कोपचे में चलने को बोलता है। मेरा नाम है पप्पू पेलू, तू बता तो अभी ले लूं। पप्पू पेलू का अंकल बाजार में उसे लौंडियाबाजी करते हुए देख लेता है। अंकल को देखते ही ये तीनों भागने लगते हैं और भागते भागते छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लेलू नहीं चढ़ पाता। तो वो कहते हैं, अबे झोपड़ी के मोटी गेंड जल्दी से चढ़ जा साले, भैंसे तेरे बाप आ रहा पीछे से। इसके बाद पप्पू पेलू वहीं से दूसरी छत के लौंडियों को ताड़ने लगता है और मन ही मन में सोचता है, किस हक से कहूं कि तू मेरी है, जहां देखो वहां भैंचो तू झुक झुक के दे रही है। इसके बाद पप्पू पेलू एक बियर की दुकान पर पहुंचता है जहां वो पार्ट टाइम होम डिलीवरी की नौकरी करता था। उसे एक थर्रा बेचने पर 2 रुपए मिलते थे। अगले दिन पप्पू पेलू दारू की डिलीवरी करने के लिए एक मोची के पास आता है जिसका नाम है सलीम भाई और ये शहर में होने वाली पार्टियों में भी गाना गाता था। ये दिखने में जितना शरीफ है उतना हरामी है। दरअसल पप्पू पेलू सलीम के पास आकर टाइम पास करता था। थोड़ी देर बाद एक औरत मटक मटक के सलीम के पास अपनी सैंडल लेने आती है, जिसे उसने सलीम को कुछ देर पहले पॉलिश करने को दी थी। वो कहती है, चमका दी सैंडल। सलीम कहता है, एकदम रगड़ रगड़ के चिकनी करके चमकाई है। तो वो कहती है, कितने रुपए हुए? तो सलीम कहता है, पूरे 2 रुपए, लेकिन ये औरत अपना बटुआ लाना भूल गई थी। तो सलीम कहता है, कोई बात नहीं, अंगूर से आम बना दूंगा। लेकिन इस औरत के स्टाइल को देखकर सलीम समझ जाता है ये क्या चाह रही है, अपना मुरब्बा खिलाने को, पर मैं तो ले जाऊंगा इसको बजाने को। और अब सलीम समझ जाता है कि ये मुझे पेमेंट किसी और तरीके से देगी। सलीम भी बिना देरी के अंदर चला जाता है और भटाभट करने लग जाता है। बाहर बैठा पप्पू पेलू, बस छोड़ दो यार, छोड़ दे, लग रही है छोड़ दे, की आवाजें सुनकर मजे ले रहा था। रात को जब पप्पू पहलू अपने घर पहुंचता है तो उसके बापू उसे दबा दबा के संटियों से मारता है, क्योंकि अंकल ने पप्पू पहलू की लौंडियाबाजी के बारे में बता दिया था। तभी उसकी बुआ भागकर आती है और वो पप्पू पहलू को बचा लेती है। और वहीं पप्पू पहलू की मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी, वो अभी भी पप्पू पहलू को दूध पीता बच्चा समझ रही थी, पर इन्हें क्या पता था ये औरतों को दूध देखते फिर रहा है। इन्हीं सब के कारण पप्पू पहलू का बाप उसे नाई की दुकान पर झाड़ू मारने का काम दिलवा देता है। लेकिन पप्पू पहलू के दिमाग में तो लौंडियों की पिंकी ब्लैकी के ख्वाब छाए हुए थे, उसका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। शाम को पप्पू पेलू इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। इसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी तो वो मान जाती है कि तुम कल से सैलून मत जाना, तेरे ठरकी बाप से मैं बात कर लूंगी। अगले दिन झेलू और पप्पू पेलू सलीम की दुकान पर डेरा जमा के आसकीबाजी कर रहे थे। तभी सामने से दूसरे मोहल्ले के लौंडे लेलू को पीटते हुए ला रहे थे। तो वहीं झेलू कहता है, अबे कैसा चौड़ा हो रहा है, लेकिन वो मोटू को नीचे गिरा देते हैं। दरअसल इन लौंडो ने लेलू को उनके मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ लिया था। उधर पप्पू पेलू जाकर दारू वाले को बुला लाता है। इसके आते ही उन लौंडो की फट जाती है। तभी वहाँ पर पप्पू पेलू की मौसी लतीफा आ जाती है, जिसे देखकर सलीम इशारों में कहता है, इसे मारना है। इसकी हरकत देखकर लतीफा जोर जोर से हंसने लगती है। अब सबकी नजर लतीफा पर पड़ जाती है, जिसे ये ऐसे देख रहे थे जैसे कि लतीफा को यहीं पर पेल दें और सारे आदमी उसके दीवाने हो जाते हैं। इधर लतीफा के आने की वजह से पप्पू पेलू के पापा काफी नाराज थे, क्योंकि वो जब भी लतीफा को देखता था तो वो बिना हैंडपंप नचाए रह नहीं पाता था। एक दिन पप्पू पेलू अपने बाप को खाना देने उनकी दुकान में जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बापू तो सेटिंग बाजी कर रहे हैं। ये देखकर वो कहते हैं, झोपड़ी के आज कैसे आ गया तू यहाँ पर, खाना देने आया हूँ बस। पप्पू पेलू जब खाना रख रहा था तो उसे वहां पर पिंकी फिल्मों वाली मैगजीन मिलती है मिया मालकोवा की, जिसे देखकर वो बावला हो जाता है और उसे अपनी पैंट में छुपाकर भाग जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है
और उनको भी मैगजीन दिखाता है जिसे देखकर सारे पागल हो जाते हैं। अबे यार क्या मस्त पटाखा माल है। उन तीनों में लेलू के पास सबसे ज्यादा ज्ञान था, मतलब ये गुलाबी फिल्में देख चुका था, और वो पप्पू पेलू को नई नई चीजों के बारे में बताता है। और अब ये सुनकर पप्पू पेलू को मजा आ जाता है, उसे अब किसी भी हाल में मौत का कुआं देखना है। और तभी उसे याद आता है कि वो हर हफ्ते अपनी माँ के साथ पब्लिक बाथरूम में नहाने जाता है, जहाँ पर औरतें नंगी धड़ंगी होकर डोलती फिरती हैं। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन अपनी माँ के साथ पब्लिक बाथरूम में जाता है, लेकिन इस बार पब्लिक बाथरूम में एक नई औरत थी और वो पप्पू पेलू को अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि ये झोपड़ी का छोटा नहीं बड़ा हो गया है। पर किसी तरह पप्पू पेलू की माँ उस औरत को पैसे ज्यादा देने का वादा करके मना लेती है, लेकिन पप्पू पेलू जिसके दर्शन करने आया था उसे वो नहीं मिलती। अगले दिन जेलू और लेलू इससे पूछते हैं, और बेटे देख ली मौत की खाई, तोड़ मत दियो चारपाई। तो पप्पू उन्हें बताता है, यार मैंने दुद्दू पुद्दू सब देख लिए पर मौत की खाई नहीं देख पाई। तो ये सुनकर उसके दोस्त उसे घोंची बोलकर वहां से जाने लगते हैं। पर वहीं पप्पू पेलू कहता है, मेरे पप्पू की कसम अगली बार मैं जरूर पिंकी ब्लैकी देख के ही रहूंगा। उसी शाम पप्पू पेलू का अंकल एक जमीला नाम की लौंडिया घर पर लाते हैं। दरअसल पप्पू पेलू की माँ अकेले घर पर सारा काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए जमीला को वहां पर काम करने के लिए लाया गया था। और उसे देखकर पप्पू पेलू उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन में सोचता है, मत मिलाया कर तू उनसे है खुदा, जिनकी तू दिला नहीं सकता, और आज नहीं तो कल इसे भी सिसकी आएगी, जब मैं नहीं ठोकूंगा तो इसे भी हिचकी आएगी। दूसरी तरफ शहर के सभी आदमी पप्पू पेलू की मौसी को पटाने में लगे थे, इसलिए वो पप्पू पेलू के हाथों लतीफा के लिए नए नए तोहफे भिजवाते हैं, लेकिन ये सारे तोहफे फेंक देता था, क्योंकि वो चाहता था उसकी मौसी को सलीम ही पेले और लतीफा सलीम का ही जेले, क्योंकि सलीम भी उसे चाहने लगा था। वहीं कहीं ना कहीं लतीफा का भी यही हाल था। एक दिन लतीफा अपनी चबाई हुई चिंगम पप्पू पेलू के हाथों सलीम के पास भिजवाती है। सलीम भी उस चिंगम को बड़े प्यार से चबाते हुए एक लव लेटर लिखता है, जिसे पप्पू पेलू लतीफा को दे देता है, जिसे पढ़कर लतीफा की बैटरी 100% हो जाती है। उसमें लिखा था, घोड़ी एंगल 69 एंगल 90 एंगल सारे एंगल में लतीफा तेरे पपीता दबाऊंगा। एक दिन फिर से पप्पू पेलू अपनी माँ के साथ पब्लिक बाथरूम में नहाने जाता है, पर आज वो औरत उसे अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि पप्पू पेलू की माँ ने उस औरत को 100-200 ज्यादा पैसे देने की बात की थी, वो उसने अब तक नहीं दिए थे, इसलिए वो औरत उससे गुस्सा थी। कैश पेमेंट मिलते ही वो औरत पप्पू पेलू को अंदर जाने देती है। पप्पू पेलू आज अपने मिशन को पूरा करने वाला था, इससे पहले एक औरत उसे पकड़ लेती है और उसे पब्लिक बाथरूम से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से पप्पू पेलू की माँ ने उसे अपने साथ पब्लिक बाथरूम में ले जाना बंद कर दिया था, और वो काफी ज्यादा सैड सा हो जाता है। उसकी माँ उसे हर तरफ ढूंढती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अब हार कर पप्पू पेलू की माँ जमीला को ढूंढने को बोलती है। जमीला पूरे घर की छानबीन करती है और आखिर में वो पप्पू पेलू को ढूंढ लेती है, जो और कहीं नहीं बल्कि जमीला के ही कमरे में मुठ मार के सो रहा था। जमीला उसे नहीं जगाती और चुपचाप गेट बंद करके वहां से चली जाती है। रात को जब पप्पू पेलू की नींद खुलती है तो वो सलीम के घर जाता है, और वहां गेट से देखते ही पप्पू पेलू हैरान हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर सलीम और लतीफा एक साथ भटाभट 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 कर रहे थे। ये देखकर लौंडा खुश हो जाता है और वो उन दोनों में से किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। देर रात घर पर लौटने पर पप्पू पेलू की नजर लतीफा की तरफ जाती है, जो एकदम मस्त होकर सो रही थी। उसे देखकर पप्पू पेलू में भी भावनाएं जाग जाती हैं और वो उससे भटाभट भटाभट करने के लिए पागल हो जाता है। वो जैसे ही काम शुरू करने जाता है तो जमीला करवट बदल लेती है, जिससे पप्पू पेलू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन पप्पू पेलू अपने घर की छत पर उदास होकर बैठा होता है और वो अपनी फूटी हुई किस्मत को अंदर ही अंदर कोस रहा था। उसने मौत की खाई को देखने की कितनी कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, इसीलिए वो उदास होकर बैठा हुआ था। एक दिन पप्पू पेलू की माँ पब्लिक बाथरूम में जा रही थी, तभी पप्पू पेलू भी अपनी माँ के साथ चलने की जिद करता है, पर उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देती है। वो पप्पू पेलू से कहती है, तुम्हें पब्लिक बाथरूम में नहाने की कोई जरूरत नहीं है, जमीला तुम्हें घर पर ही नहला देगी। ये कहकर वो पब्लिक बाथरूम की तरफ निकल जाती है। अब घर पर पप्पू पेलू जमीला के साथ अकेला था, जमीला उसे नहला रही थी। तभी पप्पू पेलू अपना आखिरी गेम खेलता है, वो जमीला को अपने साथ नहाने को बोलता है। पहले तो जमीला उसे मना कर देती है, पर पप्पू पेलू का लगातार फोर्स करने पर वो मान जाती है, पर वो अपने पूरे कपड़े नहीं उतारती। तो पप्पू पेलू जमीला से कहता है, तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, लेकिन जमीला उसे साफ मना कर देती है। लेकिन पप्पू पेलू उसे समझाते हुए बोलता है, अबे मान जा मेरी रसमलाई, मैंने पहले भी लड़कियों को इस हालत में देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये सुनकर जमीला धड़ंगी होने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इससे पहले पप्पू पेलू जमीला की ब्लैकी व्हाइटी देख पाता, उसकी माँ घर पर आ जाती है और उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है। पप्पू पेलू समझ जाता है, अब तो मम्मी ये
सारी बात बापू को बता देंगी और वो मार मार के मेरी सिट्टी पिट्टी गुल कर देंगे। रात को मार खाने के बाद जब पप्पू पहलू अपने कमरे में जाता है तो वो जमीला को अपने बेड पर देखता है और हैरान हो जाता है। जमीला को पता था कि आज की रात इस घर में उसकी आखिरी रात है, इसलिए जाने से पहले वो पप्पू पहलू को पिंकी ब्लैकी के दर्शन करवाने आई थी। बस फिर क्या था, पप्पू पहलू भटाभट करता रहता है और मौज बांध देता है। अगली सुबह हम उसे खरगोश की तरह उछलते हुए देखते हैं क्योंकि उसने पिछली रात दुनिया की सबसे खतरनाक और प्यारी गुफा के दर्शन किए थे। कुछ देर बाद पप्पू पहलू के अंकल घर पर जमीला को लेने आ जाते हैं। ये देखकर पप्पू पहलू काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। जाते जाते हम जमीला के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल को देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं पप्पू पहलू से भटाभट करने में खुश थी। उसे देखकर पप्पू पहलू सोच रहा था, जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा जीकर आया हूँ, कल रात जमीला के साथ भटाभट करके आया हूँ। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम हालफोनियन बॉय ऑफ द टेरिस है जो कि साल 1990 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन होना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।